सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लग्जरी एसयूवी कार के बारे में जो ना बल्कि बड़ी है बल्कि कंफर्ट राइडिंग के हिसाब से सबसे बेहतरीन है इस समय इंडियन मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ BMW की सबसे बड़ी कार BMW X7 की, और ये कार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ढेर सारे टेक लोडेड फीचर भी मिल जाते हैं। तो आइए चलिए एक टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं कि ये कार कितनी ज़्यादा इंडियन रोड पर प्रैक्टिकल है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इस कार को मैं लगभग 800 किलोमीटर तक चलाया हूं, जहां पर मैं हैवी रेन में भी इस कार को ले गया हूं, हैवी ट्रैफिक में भी ये कार फंस चुकी है, और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी इस कार से मैंने किया है। तो आइए इस कार को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं BMW X7 कैसी है। बात जब लग्जरी एसयूवी की आती है और वो भी 6 सीटर की, तो एक बार BMW X7 का नाम जरूर सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि BMW की सबसे लंबी चौड़ी ये कार है। इस कार को पिछले साल अपडेट कर फेसलिफ्ट वर्जन में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। लुक और डिजाइन के मामले में BMW X7 फेसलिफ्ट कार में बहुत से नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इस X7 में एक और कूल फीचर आता है जिसके बारे में अगर आपको नहीं बताया तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। वो ये है, इसका जो पीछे का बूट है उसको खोलने का अंदाज। इसका की है, की को मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ ये खुल जाते हैं और आप एक बड़ा सा स्पेस देख सकते हैं। ऑल दो कि ये 6 सीटर है, तो मैंने जो पीछे का 2 सीट है उसको मैंने फोल्ड किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकली इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत खास चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और आप पीछे का बहुत अच्छा नज़ारा देखना चाहते हैं या फिर आप चाय कॉफ़ी इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इसको मेज की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली खुलता है। ये देखिए, मैंने इसे दबाया और ये खुल जाता है और आप आराम से बैठ सकते हैं। आप आराम से बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और आप व्यू को इंजॉय कर सकते हैं। और इसको बंद करना भी बहुत ही आसान है, वो बंद करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं ये दिखा दूं किस तरीके से आप सिर्फ एक पावर बटन दबाते हैं और ये जो दोनों सीट है ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है। अब इसको पूरा क्लोज करना है तो सिर्फ हम बटन का सहारा लेंगे। ये मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, होल्ड किया और ये पूरा इसका बूट बंद हो जाता है। सबसे पहले कार के फ्रंट एंड पर अपडेट नजर आता है जो कि नए किडनी ग्रिल और पीछे के बम्पर पर सिल्वर ट्रिम के साथ आता है। इसके अलावा कार में लाइटिंग के लिए स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप, बोनट लाइट के पास LED DRL और रीप्रोफाइल LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। 20 इंच के अलॉय व्हील और क्रोम स्ट्रिप कार को और भी शानदार बना देते हैं। BMW X7 फेसलिफ्ट कार में पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल्स में एक तरह का पावर ट्रेन दिया गया है। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट के साथ इस कार में 3.0 लीटर टर्बो चार्ज इनलाइन 6 इंजन मिलता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। रही बात इसके पावर आउटपुट की, तो इसका इंजन 380 की हॉर्स पावर और 540 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए BMW ने दोनों इंजन को 8-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा है। वहीं इसमें 3 drive मोड्स भी मिलते हैं जिसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसके इंटीरियर पर नजर डालते हैं। केबिन फीचर्स के रूप में नई BMW X7 फेसलिफ्ट में नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9 इंच का टच स्क्रीन इसमें मिल जाता है। इसके सिस्टम को iDrive 8 सॉफ्टवेयर से भी लैस किया गया है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट बार, 4-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS टेक्निक, वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ भी इस कार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका इंटीरियर बहुत ही खास है, तो एक विजुअल टूर कराता हूँ कि X7 अंदर से दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टेप मिल जाता है जिसके ऊपर आप पैर रख के आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप सीधे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप आसानी से इसके ज़रिए आप अंदर आ सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी ऑफ रोडिंग कार हैं या फिर जी वैगन वगैरह में आपको इस तरीके से कैडलिंग मिल जाएगी जिसपे आप पैर रख के आ सकते हैं। और ये रहा इसका इंटीरियर। इंटीरियर में आपको मिल जाता है X7 की बैजिंग। अंदर बैठते ही सबसे पहले आपको वही अट्रैक्ट करेगा, और ये रात को जलता भी है, दिन में भी जलता है लेकिन इसकी विजिबिलिटी कम होती है। और इसका अंदर स्पेस काफ़ी है, और ये BMW X7 इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है।
छः लोगों को बैठने की इसके अंदर सुविधा मिल जाती है, और छः लोगों का जितने पैसेंजर अंदर बैठे हैं सबका बहुत ही खास ध्यान रखती है ये कार, क्योंकि ये टेक लोडेड फीचर है और इसमें बहुत ढेर सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो जो एसी कंट्रोल है वो हर एक इंडिविजुअल के पास है, चाहे वो इधर आगे साइड में पैसेंजर बैठा है, या फिर वो रियर में बैठा है, या फिर एकदम पीछे यानी थर्ड रो में बैठा है। और वो तीनों जगह पे आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा एसी का, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल है, हम यहाँ से आगे का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक पैसेंजर के पास ये सुविधा भी होती है कि वो अपने सीट को भी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। वो थर्ड रो में भी सेम सुविधा मिलेगी, फ्रंट में भी मिलेगी और बीच में भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर इस कार को यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यूथ को जो पसंद करने के पीछे की जो वजह है वो यही है कि इसके अंदर जो स्पीकर है बहुत ही खास है, हरमन कार्डन का इसमें स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही प्रीमियम साउंड के लिए जानी जाती है। अगर आप ऑफ रोडिंग इस कार से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। जैसे कि मैं इस कार को लोनावला लेके गया था, तो वहाँ पर पीछे बहुत अच्छा नज़ारा था जो मुझे देखना था, और कार के अंदर भी मुझे नहीं बैठना था। तो पीछे जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वो खुलेगा और आप पीछे मेज की तरह होता है, आप वहाँ पे जाके बैठेंगे और पीछे का बहुत अच्छा सा नज़ारा ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकली होती है, तो आपको मैन्युअली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बूट भी इलेक्ट्रिकली खुल जाता है, और पीछे से आप जो सीट है उसको भी अपने अनुसार जो बटन दिया गया है, कंट्रोल दिया गया है, वो भी एकदम रियर में भी दिया गया है, उसको आप दबाएंगे तो जो भी सीट है वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। अभी फोल्ड आदमी तभी करता है जब वो सिर्फ तीन या चार लोगों के साथ वो क्रूज़ कर रहा है, कहीं पे लॉन्ग ट्रिप पे गया है और उसके पास ढेर सारे सामान है, तो आसानी से गया, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पावर्ड बटन दबाया, पीछे का जो सीट है वो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 700 लीटर का बूट स्पेस। तो 700 लीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। और सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको एडास फीचर जैसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कार कंफर्ट, ये कार डायमेंशन के हिसाब से, ये कार उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकती है कि जो ऑल इन वन पैकेज चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए कंपनी BMW ने अच्छा खासा ध्यान दिया है, और इसीलिए इस कार को इन्होंने इंडियन मार्केट में उतारा है। इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ मिलती है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, वो है इसका ब्लैक कर्टन। जैसे कि काफ़ी धूप आ रही है और आपको सन से प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो कुछ नहीं करना है, एक बटन है यहाँ पे, आपने दबाया और ये ऑटोमेटिक इसका जो ब्लैक कर्टन है उड़ जाता है। आपने कई कारों में देखा होगा ये फीचर, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकली इसको ऊपर जाते हुए नहीं देखा होगा, इलेक्ट्रिकली इसको कंट्रोल करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन BMW की इस कार में ये मिलता है कि आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, जो इसके खास फीचर में एक माना जाता है। BMW X7 फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में Mercedes Benz GLS, Audi Q7, Volvo XC90 और Porsche Cayenne जैसे मॉडल्स को कड़ी टक्कर देती है। तो ये तो रही BMW X7 से जुड़ी सारी डिटेल्स। ये BMW X7 का X Drive 40 DM मॉडल है, और जहाँ कहीं M लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि ये BMW का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और आप कार के साइड में एक स्पेशल बैजिंग भी देखेंगे जहाँ पर M लिखा है, और वहाँ साइड में आपको डिज़ाइन भी दिख जाएगी। यानी कि अगर आप नॉर्मली सड़क पर चल रहे हैं और आप BMW की कोई कार देख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर M लिखा है, M की बैजिंग अगर आपको साइड में दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं, आप समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि ये BMW की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, जो एक हाई परफॉर्मेंस और हाई लग्जूरियस के लिए जानी जाती है।